हेलो क्लास, हिंदी में हम लोग चैप्टर 20 पढ़ेंगे। चैप्टर 20 है सर्कस। सर्कस आप लोगों ने देखा होगा, यह एक कविता है। सर्कस बच्चों को बहुत प्रिय होता है। सर्कस सबसे ज्यादा किसको अच्छा लगता है? बच्चों को। इसमें उन्हें पशु जगत का अनोखा रूप देखने को मिलता है। बच्चे लोग सर्कस जाते तो उनको क्या दिखता है? पशु जगत का अनोखा रूप, मतलब वहां बहुत सारे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जो नया नया अपना रूप दिखाते हैं। इसी पर आधारित है यह कविता। ये जो कविता है सर्कस, वो इसी पर आधारित है, मतलब पशुओं का कर्तव्य पर। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। होकर कौतूहल मतलब जिज्ञासा से भरकर मैं एक दिन सर्कस में गया। भय विस्मय के काम अनोखे देखे बहुत व्यायाम अनोखे। भय विस्मय के काम है, जिस काम से हम लोग को डर लगता है वैसा वैसा अनोखा काम देखने को सर्कस में मिला। देखे बहु व्यायाम अनोखे, और बहुत सारा व्यायाम भी देखने को मिला, है ना? किसके द्वारा? तो पशुओं के द्वारा। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। वह क्या देखता है कि एक बंदर आया और वो तुरंत लैंप जला देता है। ठीक है, जानवर लोग के द्वारा ऐसा काम जो मनुष्य करता है और वही काम अगर जंतु करेगा तो कुछ अटपट लगता है ना देखने में। तो बताता है कि एक बंदर आया और झटपट लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक कोली, आतब तक मैना यो बोली। फिर वो कुर्सी में बैठकर एक पुस्तक खोली। कौन? बंदर। आतब तक मैना यो बोली, उसी समय मैना आकर कुछ बोली। क्या बोली? हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। क्या बोला? कि हाजिर है हुजूर का घोड़ा। मैना बोली बंदर से कि आपका घोड़ा हाजिर है, चौक उठाया उसने कोड़ा। उसके बाद उसको मारने के लिए कोड़ा उठाया। आया तब तक एक बछेड़ा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। उसके बाद एक बछेड़ा आ गया। बछेड़ा किसको बोलते हैं? गाय का बच्चा को, है ना? बछेड़ा आया, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, और फिर बंदर उसमें उसके ऊपर चढ़ गया और उसको घुमाने लगा। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। फिर अंत में एक मनुष्य आया और उसको किसको पकड़ ला रहा था? एक सिंह को पकड़ कर लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुष्य और सिंह का दोनों में लड़ाई होने लगा, और ऐसा लड़ाई देखकर मैंने उन दोनों की बहुत बड़ाई की, है ना? कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। कहीं साहसी जन डरता है, कितना भी साहसी हो कोई तो आदमी उसे डरता है, नर नाहर को वश करता है। लेकिन यहां मनुष्य जो है वो सिंह को ही अपने वश में किया हुआ है। किंतु सियार वह बना हुआ है, यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। लेकिन वो यहां पर सियार बन गया, शेर तो है लेकिन यहां सर्कस में उसको लग रहा है देख के कि वो सियार है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा पिंजरे में बंद रहा है और इसको कभी भी स्वच्छंद नहीं रखा गया, मतलब आजाद नहीं रखा गया, इसको पिंजरे में हमेशा बंद रखा गया है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। इसको छोटा में ही पकड़ कर लाया गया था, है ना? और फिर ये सर्कस में जो काम करना है उसको मार मार कर सिखाया गया था। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। शेर जो है वो अपने आप को भी भूल गया है कि वो एक शेर है, जंगल का राजा, और ऐसा देखकर मुझे उस पर दया आती है, है ना? ऐसा कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। इस कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने ये कविता लिखा है सर्कस। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है अभ्यास, तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके okay?